आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज अकाउंट द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट बोला गया है कार्बन एंड सिलिकन आर टेट्रावेलेंट, बट जर्मेनियम, जर्मेनियम टिन एंड पीबी शो डाइवेलेंसी। ठीक है, सेकंड बोला गया CCl4 इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो सब फर्स्ट देखते हैं हम कि जो कार्बन और सिलिकन होता है ये हमारा टेट्रावेलेंट शो करता है, टेट्रावेलेंसी यानी कि फोर वैलेंसी, एंड जो हमारा जी यानी कि जर्मेनियम टिन और जो पीबी है वो शो करता है हमारी डाइवेलेंसी को। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, SN यानी कि टिन एंड पीबी। ठीक है, तो ये जो होते हैं, तो क्वेश्चन में जो बोला गया है ये बोला गया है कि इसमें प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट या जो वैलेंसी होती है प्लस फोर शो करते हैं, और जो ये है ये हमारे प्लस टू शो करते हैं। तो देखो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इनका जो कॉन्फिग्रेशन आता है ना ग्रुप 14 का, इनका आता है हमारा NS2 और NP2। ठीक है, जब हमारे बॉन्डिंग में ये दोनों ही जब NS और NP दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं तो तब तो ये जो वैलेंसी शो करता है वो करता है हमारी प्लस फोर की। ठीक है, और जब इनमें से सिर्फ एक ही यानी कि NS2 जो होगा जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेशन। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन बॉन्डिंग। ठीक है, तब ये क्या शो करेगा, तब ये शो करेगा प्लस टू को। ठीक है, क्योंकि सिर्फ NP2 ही जो होगा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है ये हमारा कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसी के कारण जो जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये हमारा प्लस टू वैलेंसी शो करता है यानी कि डाई वैलेंसी शो करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें सिर्फ हमारा जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो होंगे हमारे NP2, NS2 जो होगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करता है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट के कारण, और इसी रीजन से ये डाइवेलेंसी शो करता है। जबकि कार्बन और सिलिकन में क्या होता है, ये चारों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनर पेयर इफेक्ट नहीं लगता, इनर पेयर इफेक्ट, तो यहाँ पर ये प्लस फोर वैलेंसी शो करते हैं यानी कि टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, यही पूछा गया। सेकंड बोला गया CCl4 इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस, तो ये देखते हैं। तो देखो CCl4 जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो देखो क्या होता है इसमें CCl4 इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसमें क्या होती है, हायर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की इसमें जो वैल्यू होती है वो हायर होती है। ठीक है, और क्यों होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज के कारण, मगर किसके स्मॉल साइज के कारण, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के स्मॉल साइज के कारण इसका जो इफेक्ट होता है, इट्स इफेक्ट यानी कि कौन सा इफेक्ट, जो इसका जेड इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो जेड इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, विल बी हाई, इसके कारण से जेड इफेक्ट हाई होगा, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो रिलीज। तो देखो जेड इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, जेड इफेक्टिव हाई होने के कारण जो रिलीज, जो एनर्जी होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो इसीलिए CCl4 जो होगा वो रेजिस्टेंट होता है हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो हमसे यही दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, CCl4 रेजिस्टेंस होता है टू हाइड्रोलाइसिस, एंड जो कार्बन और सिलिकन होता है ये टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन जो GeSnPb होता है ये डायवेलेंसी होता है, क्यों? ठीक है, तो हमने दोनों बता दिए, फर्स्ट और सेकेंड।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।